त्रिभुवं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांस ॐ ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभवे श्रीमहात्मने नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथन सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरनम पुरुषम महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमामि नामयाम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति वेदा प्रज्ञान केशवैति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीवदुखे सदात्राय ह्रीनाम प्रेमदायिने नामयाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले ह्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने हरिभार्षभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाभ सिद्धांत दंत हारिणी नाम गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबधे पादंबुजाय ते नमः नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपायनो गभराय ते गौरवाविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री उसको पीछे थोड़ा गड़बड़ी जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः जयतां सुरतरुपङ्गुर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भजौ श्रीराधा मदन मोहन दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमत रत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्री लघुगोविंद देव पृष्ठलिभि सिंभो मान स्मरामि हरिमान रास रसारंभि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरी कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि दवनाला साम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा भारी द कृपा भारी दनी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत वाद्य श्रीहरि कीर्तनी रहे न मगन महामत मनी
रोमांच संपासो हाय गौरा प्रेमे बंदिशे गुरु चरण समल सदा रतजिनी विग्रह सेवने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जने करे ननी जुक्त अनुगत जने बंदिशे गुरु चरण समल सर्वचुशले पेयर समय प्रसादन कृष्णे अति स्वादो है भक्ता स्वादने निज तृप्त रहे बंदिशे गुरु चरण कमल राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चित जिनी हन प्रतीक्षणी बंदिशे गुरु चरण कमल ब्रज जो द्वंद रति संवर्धनी युक्ति करे सखी हरि वृंदावनी अति दक्षता प्रियतम गनी बंदिशे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाये श्री हरि स्वरूप भक्त गण भवे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप बंदिशे गुरु तुम और ले उसको ले जाओ इसको लेकर बजाओ उसके साथ साधे कृष्ण कृपा पाई जरा प्रसादे अन्य गति नाई त्रिसंध्या कीर्तिरा स्तब ध्यानी भाई बंदिशे गुरु चरण कमल गुरु देवा तक अति जतन करी ब्राह्मे मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु से भूकार बंदिशे हित चतुर्मुख हरि कृष्ण से ब्रह्मा हित नारद महती नारद हित दास मत कहे दास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्म नाम हरि मधव नाम परिचय शारदास ज्ञान सिंधु तारे साहित दयाल शारदास विद्यालय राजेंद्र हरिल सहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जान भल माते जय धर्म दासे जाते त्रिपुरोत्तम यति साहिते ब्रह्मन्न तीर्थ दास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति दास दास साहिते माधवेन्द्र पूरी माधवेन्द्र पूरी वर सिद्धवर नित्यानंद श्री अद्वैत वेद ईश्वर पुरी के नन करले न सिद्धि
सर्वदामदर श्री गोस्वामी रूप जन कान रूप प्रिय महाजन विवर कार प्रिय कवि कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सर्व कर कार पद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त सार बलदेव जगन्नाथ कार प्रिय श्री भक्ति विनो महाभागवत श्री गौरवेश्वर वर हरिभजन तेजार श्रीवास्तवन विवर सार दरित दासना प्रभु पाद अंतरंग स्वरूप श्री केशव भक्त चित्र ज्ञान गौरी गौरवाणी प्रचारिणी धाम चित्त प्रिय महाजन वाम नारायण गौरवाणी सदृतन सब हरिजन खदेरे उचित गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्त गोला यदि चाहे
जन्म जन्म जना तव नाम गुण गाए उनका उत्तर दे दो आशा मम तुमर चरणी आए तो के बाते हृदय जाने अनु कृष्ण देव भवंतु 216 कृष्ण देव भवंतु Thank you.
जय राधे जय राधे जय जय माधव दैते Thank you.
हरे कृष्ण हरे। ओम विज्ञान नितिम्बिराम दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपीसह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्यलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतय श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतय श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री व्यास देव ने सारी ग्रंथों को रचना करने का बावजूद भी उनको मन को शांति नहीं मिल रही थी, इतने में श्री नारद जी प्रकट होकर के उन्होंने अपना अशांत का उन्होंने कारण बताए। जब उन्होंने कारण बताए फिर उसको बाद में बताए, देखो मैं अपना जीवन चरित्र में तुमको सुना रहा हूँ, आज मैंने इतने बड़े साधु बना तो मैंने बना कैसे, केवल संतों का आशीर्वाद है, केवल संतों की आशीर्वाद, अगर संतों की कृपा किसको ऊपर हो जाए फिर तो जगत में और कुछ असंभव नहीं, लेकिन संतों की कृपा के बगैर सबके सब बेकार हैं, हैं? इसलिए उन्होंने अपना जीवन चरित्र बताए कैसे हमारे गांव में संत लोग आए, मैंने संतों की कैसे सेवा की और संत लोग समदृष्टि होते हुए भी लेकिन मेरी अंदर में अचंचलता स्थिरता देख करके संतों की मेरे ऊपर में कैसे कृपा हुई है। इसलिए यहाँ पर कहते कृपा दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, कहते हैं कि देख करके किसका गुण देख करके, और एक होता है अहेतु की, कैसे होता है, एक तो किसकी गुण को देख करके कृपा होता है और कभी कभी अहेतु की कृपा भी किसको ऊपर में हो जाता है। कहते अहेतु की कृपा कैसे हुई तो उदाहरण दिया, जैसे श्री प्रह्लाद महाराज ने बच्चों को जैसे ज्ञान दी, राक्षस बालक हैं जब बच्चे लोग खेलने के लिए जा रहे थे, बोले देखो आज एक हम नया पाठ पढ़ेंगे नया खेल खेलेंगे, बच्चों को नया खेल की बात बताओ खुश हो जाते बैठ गए, बोले भैया कौन सा नया खेल है, बोले हाथ में ताली बजाते हुए भगवान का चलो नाम कीर्तन करेंगे, बोले प्रहलाद हमने सुना भगवान का भजन बुढ़ापा में होता है, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे शादी होएगा
बच्चे होंगे उनको शादीशुदा करके रिटायर्ड लाइफ में थोड़ा भजन करेंगे, तो अभी से क्या बोल रहे हो भगवान की भक्ति करने के लिए। फिर उन्होंने उनको जो उपदेश दिया है, कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवत अनिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। हाँ ये इसको कहते हैं कि अहितु कृपा, बिना कारण से उनको ऊपर उन्होंने कृपा किया है, कोई गुण देख कर के उनको ऊपर उन्होंने कृपा नहीं की, उन्होंने उनको ऊपर में अहितु के रूप में उनको कृपा की है। और दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे भरत महाराज हैं, जड़ भरत जो रघुगण महाराज के ऊपर में जो उन्होंने कृपा की है कोई गुण देख करके नहीं, बल्कि रघुगण महाराज इनको डांट रहा था मोटे देख करके हैं, जब कंधे पर पालकी ढो रहे थे चिट्टी देखते ही छलांग लगाए हैं, जब छलांग लगाए इतने में राजा को तो सर धड़ांग करके लगे, पालकी बोले ठीक से क्यों नहीं चला रहे हो, बोले हम तो ठीक से चला रहे, जो नया व्यक्ति लगा ना पता नहीं ये बीच बीच में छलांग क्यों लगा था लेकिन कोई चिट्ठी को पर प्यार नहीं पड़ जाए इसलिए छलांग लगा रहा था। तब उन्होंने देखा मोटे सोटे बड़े सुंदर है, बोले थोड़ी तो ढोने का लाएगी तो बैठने का लाएगी हैं, बैठने का लाएगी ऐसे तुमको दंड दूंगा ना, जैसे जम जैसे दंड देते हैं। फिर उन्होंने देखा इनको हमने कंधे पर उठाया है, जिसको एक बार कंधे पर उठा दिया उनको कभी नहीं नीचे नहीं उतारनी चाहिए। फिर उनको ऊपर उन्होंने कृपा करके उन्होंने जो ज्ञान की बात बताए हैं इतने सुंदर, आगे हम एक कथा सुनेंगे। इसलिए इन्होंने उनको ऊपर में जो कृपा की है, कैसे कृपा की, अहितु की उनको, बल्कि दोष वो उनको डांट रहे थे लेकिन डांटना देख करके भी उनको ऊपर उन्होंने कृपा की है। इसलिए कभी कभी वैष्णव लोग जैसे नित्यानंद प्रभु, बताओ जगाई माध्याय के ऊपर कृपा किया अहितु की ना सहितु की, अहितु की कोई इनके अंदर में बल्कि उनका सर फोड़ दिए हैं, उनका बल्कि सर फोड़ दिए, बोले भले ही तू सर फोड़ दिया लेकिन एक बार तो मेरे प्रभु का नाम ले ले, एक बार ठाकुर जी की नाम ले ले तेरे सारे अपराध को हम माफ कर देंगे। कहते ये अहितु की कृपा है। बोले सहितु की कृपा किसको कहते हैं, बोले किसी कारण को देख करके जब किसको ऊपर कृपा करते हैं, हैं किसी कारण को देख करके कृपा करते हैं। यहाँ पर जो नारद जी को, नारद जी कह रहे मेरे ऊपर में जो संत लोगों ने कृपा की मेरे अंदर में कुछ गुण देखा, क्या गुण देखा, अचंचलता, कोई चंचलता नहीं, जब हरि कथा होता है बैठता है हाथ ताली बजाते हुए कीर्तन करता है, इतना छोटा बच्चा होकर के बचपन में सब खेलते कूदते हैं लेकिन ये बैठ कर कथा सुनता है, इसलिए मेरे ऊपर फिर सेवा करता है, हैं सेवा करता है, ले आप फूल ले आप, भाग बच्चे हैं ना भागते हुए जाता है फूल तोड़ कर ले आता है, चंदन घिस दो जगह साफ कर दो, वैष्णव लोग प्रसाद पाए हैं जगह साफ कर देता था, जिसको देख करके संतों को इनके ऊपर में श्री कहते संतों यद्यपि समदृष्टि है मेरे ऊपर में कृपा की। इसलिए कल हमने इस सारी कथा को हमने लोगों ने सुना है। जब श्री नारद जी अपना आत्मचरित्र उन्होंने सुनाया, आज हम इतने बड़े भक्त कैसे बने, मेरे को भक्ति कैसे मिली, भक्तों की कैसे कृपा हुई, जब उन्होंने सुनाया सुनाते हुए बोले अगर तुम शांति पाना चाहते हो क्या करो, अपना श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, जिन ग्रंथों में तुमने इधर उधर का कोई बात नहीं हैं, इधर उधर का कोई बात नहीं लिखनी, तुमको शुद्ध रूप में केवल भगवान की हरि की चरित्र, हरि और हरि शुद्ध भक्तों का चरित्र लिखो, इसलिए इसका नाम भागवतम है। भागवतम मतलब क्या, बोले भक्तानाम चरितम, यहाँ पर भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र, जिसमें दोनों का चरित्र, और भागवत का तीसरा अर्थ होता है भगवत प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत कहाँ से आया, बोले भगवान की मुँह से ये वाणी निकली है, हैं मुँह से वाणी निकली। नारद जी उनको भागवत ग्रंथ रचना की उन्होंने उपदेश दे करके नारद जी बास बिना बजाते बजाते भगवान का नाम कीर्तन करते 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 चले गए। जब चले गए तब यहाँ पर कहते हैं नारद जी हर समय क्या करते हैं, कहते नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नामे,
हरि नाम मनि उदित है भक्त गीत सामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम। इसलिए कहते हैं एक होता है नाम और एक होता है मंत्र। कहते मंत्र और नाम में क्या फर्क है, ये चीज को समझो। कहते जो मंत्र में उसमें ऐश्वर्य भाव रहता है, मंत्र में ऐश्वर्य भाव रहता है, लेकिन जो नाम में माधुर्य भाव रहता है। इसलिए नारद जी हर समय क्या करते हैं, भगवान की नाम कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी की नाम कीर्तन करते हैं। कीर्तन के द्वारा ही नारद जी कहते जब जब मैं कीर्तन करता हूँ तब तक मेरे को ऐसे लगता है ठाकुर जी जैसे भागते भागते ठाकुर जी कीर्तन करते ही ठाकुर जी। इसलिए भगवान बोले ना, नारद जब पूछे ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, भगवान ने क्या बोले, बोले मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरी कीर्तन करते हैं मैं वहीं बसता हूँ, वहीं पर मैं बैठता हूँ। इसलिए श्री नारद जी उपदेश देते हुए जब चले गए, श्री व्यास देव जी जिधर नारद गए, गुरु जी गए ना, तब उन्होंने उसी दिशा को उन्होंने प्रणाम किया। आज मेरे जीवन धन्य हो गया गुरु जी के उपदेश को पा करके। फिर उसके बाद में फिर व्यास देव जी ने क्या किया है, बोले भक्ति जोगे न सम, ये श्लोक को लिख लो है, ये श्लोक लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को याद करना। भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम भक्ति जोगे न, लिखा हाँ, भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णम अपस्यम पुरुषम पूर्णं मायांच तत् अपाश्रयेत, मायांच तत् अपाश्रयेत। बाद में मैं इसको देख करके ना फिर ग्रंथ से अच्छे तरह से लिखवा दूंगा, ठीक है। बोले जया सन्मोहित जीव, उसके बाद में और एक श्लोक लिख लो, बोले जया सन्मोहित जीव आत्मनाम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम तत्कृत चाभिपद्यते। ये दो श्लोक है, ठीक है, ये दो श्लोकों को याद करना। देखो उन्होंने जब उन्होंने कहते भक्ति जोगे न, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। कहते भगवत दर्शन जो होता है जीव को कैसे होता है, बोले ज्ञान से नहीं होता है, जोग से भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, कर्म के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, कैसे, बोले भक्ति जोगे न है। इसलिए भगवान का एक नाम भक्तवत्सल है, केवल भक्ति को द्वारा ही ठाकुर जी का दर्शन मिलता है। इसलिए भक्ति जोगे न, बोले सम्यक प्रणहित अमल, इसका मतलब क्या, जब उन्होंने ध्यानस्थ हुए कहते सारे इंद्रियों को माया से उन्होंने हटा दिए। भगवत दर्शन कब होता है, तभी भगवत प्रेम, जब हृदय में प्रेम हो तभी भगवत दर्शन, उसको पहले भगवत दर्शन नहीं होता। कोई कहते ना हमें भगवान दिखे हैं, ठाकुर दिखे, बोले नहीं, ठाकुर तभी दिखेंगे जब संपूर्ण रूप में हमारी अनर्थ पूरा पूर्ण रूप में, कहते ना एकादश वर्तिनी बहुदेश वर्तिनी प्रायिक, हाँ, जब संपूर्ण रूप में हृदय से अनर्थ हट जाएगी, हृदय शुद्ध सत्व निर्मल होगा, तब भी भगवत दर्शन तभी जा करके होगा। इसलिए जब मेरा मन संपूर्ण रूप में विषय से मैंने हटा लिए, मन एकदम एकाग्र होकर के पूरा ठाकुर जी के चरण में लग गया, क्या हुआ, सम्यक प्रणहित अमले के संपूर्ण मल अपस्यम पुरुषम पूर्णम, तभी मैंने क्या किया, पूर्ण पुरुष को मैंने दर्शन किया है। अपस्यम, बोले पूर्ण पुरुष कौन है, बोले पूर्ण पुरुष कृष्ण है, पूर्ण पुरुष कृष्ण ही केवल पूर्ण पुरुष, और कोई पूर्ण पुरुष नहीं, कोई उनका अंश कोई उनकी कला। कहते अपस्यम पुरुषम पूर्णम, तब यहाँ कहते हैं उनने क्या केवल कृष्ण को दर्शन किया। तब उनको एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे किसी ने कहा मैंने चंद्रमा को देखा, लेकिन जब तुम लोग लिख रहे कि नहीं, कल मैंने सारी बात को सुनूंगा हैं, इसलिए मैंने क्या बताया एक एक सारी बात को, इसलिए कहते तभी तो तुम लोग भाग पर तो बोलो। इसलिए जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे किसी ने बोला हमने चंद्रमा को दर्शन की, लेकिन जब चंद्रमा दर्शन करते क्या केवल चंद्र दर्शन होता है, नहीं, उसका चंद्र
मंडल भी दर्शन होता है, उसको साथ साथ में जितने तारे हैं वो तारों को भी दर्शन होता है, उसको साथ साथ में आकाश को भी दर्शन होता है, सबको दर्शन होता है। कहते उसी तरह कहते मैंने वो पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण पुरुष देखा मतलब क्या है? उनने देखा श्री किशोरी राधा रानी कृष्ण को वाम पार्श्व में, राधा रानी भी खड़ी है। उसके साथ में क्या देखा? जितने ललिता विशाखा सखी लोग उनको भी उन्होंने देखा, ग्वाल बाल को देखा, नंद बाबा को देखा, मैया जसोदा को देखा, उनने पूरा गोलोक वृंदावन को उन्होंने पूरा उन्होंने गोलोक वृंदावन को उन्होंने दर्शन किया है। इसलिए अपश्यम पुरुषम पूर्णम। फिर क्या देखा? बोले मायांच तत् अपाश्रयित, जो माया है उनको पीछे खड़ी हुई माया को उन्होंने देखा। बोले माया पीछे क्यों खड़ी हुई है? बोले लज्जित होकर के। बोले लज्जित होकर क्यों खड़ी हुई है? कहते माया उनको पीछे क्यों खड़ी हुई? कारण बोले लज्जित होकर खड़ी हुई। बोले किस लिए? बोले कारण है ये माया क्या करती है, जो जीव भगवान को भूल जाती है, जो जीव भगवान को भूल जाता है ये माया क्या करता है, उसको स्थूल और सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर खिति आप तेज मर्तुबम, ये दोनों शरीर को देख कर उसको भगवान से जीव को दूर कर देती हैं, फेंक देती हैं, और ये जीव ये माया के संसार में आकर के ये दुख कष्ट उठाती है। वो क्या करती है? जीव को दुख देती है। जो जीव भगवान को भूल जाती है उसको वो दुख देती है। इसलिए दुख देने का नाते वो लज्जित होकर के भगवान को सामने नहीं आती। क्यों? कहती ये जीव को दुख कष्ट दे रही। जब जीव को दुख कष्ट देती हैं इतने में जीव को तो दुख कष्ट दे रही है, अभी कहती ये जीव को दुख कष्ट माया क्यों देती है? बोले ये भी एक कारण है। ये भी जीव जैसे कोई बच्चा कोई नटखट करे उल्टा पुलटा, पिता माता शासन करते कि नहीं? क्यों शासन करते? वो सुधर जाए। हैं नहीं तुमने गंदा काम किया, शासन करने से नहीं, हमें ये गंदा काम नहीं करनी चाहिए। एक तरह से जो माया है ये जीव के कल्याण चाहती है। क्यों कल्याण चाहती है? अगर संसार में अगर दुख कष्ट भोगे, कोई तन से कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई बेटा बहू से, जब दुख दुख भोग करे बोले भैया और संसार नहीं चाहिए, हमने बहुत संसार देख लिया और हमें संसार नहीं चाहिए, अभी तो भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करना। इसलिए माया जब उसको दंड देती हैं, अब ये दंड को पा करके माया ने सोचा अगर मैं जीव को जब दंड दूंगा हो सकता है जीव सुधर जाए, लेकिन देखा जीव सुधर नहीं रहा है, बल्कि संसार का जितने डंडा पड़ता है ना संसार का उतना ज़्यादा चिपकता भी जा रहा है। सबको गाली सुनना पड़ रहा है, संसार में सबको सेवा करते हैं लेकिन सब क्या गाली सुने, लेकिन तब भी ये जीव समझता नहीं, वो जितने गाली जितने संसार का डंडा पड़ता है उतना और भी आसक्ति हो जाता है, और नाती पोती बेटा बेटी में और भी आसक्ति हो जाता है। इसलिए माया ने देखा, व्यास देव जी ने इस सब चीज़ को उन्होंने देखा, देख करके देखा भैया माया जितना पिटाई करता है ये तो और ज़्यादा चिपकते हुए जा रही, ये और भी ज़्यादा चिपकते हुए जा रहे, इसलिए इनके दंड देने से इनके कल्याण नहीं होगा। फिर कल्याण कैसे होगा? जब भगवान की जो स्वरूप शक्ति हैं, जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति बहिरंगा शक्ति है, हैं ये बहिरंगा शक्ति का पिटने से जीव कल्याण नहीं, इनका जो स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति जो पराशक्ति, इनकी अगर कृपा हो तो जीव सुधर सकता है। इसलिए व्यास देव जी ने इस सब चीज को दिव्य दृष्टि से दर्शन करते हुए बोले ये भागवत ग्रंथ रचना करना, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही जीव का कल्याण। जैसे देखो जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए, कितने बजे आए सवेरे? कितने बजे आए हो? 5 बजे आ गए। अभी कितना बज गया? 7 बजे। जाओगे 7:30 बजे? हैं जितना समय यहाँ पर बैठे कथा सुने ठाकुर का आरती दर्शन किया, क्या हुआ? मन ठाकुर में लगा रहा, मन ठाकुर में लगा रहा। अगर यहाँ पर नहीं आते, अगर घर में बैठते हुए रहते फिर क्या करते? वही नाती पोती दुनियादारी में उसमें ही लगे रहते। लेकिन उससे कुछ समय निकल गया ना, जब उससे निकल गया फिर हमारा मन क्या हुआ? भगवान के चरण में लग गया, ठाकुर के चरण में लग गया। इसलिए बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, इसलिए भक्ति उसके बाद में परेश अनुभव भगवत अनुभूति, उसको बाद में जा करके विरक्ति आएगा, नहीं तो इसे विरक्ति नहीं आएगी। इसलिए उदाहरण दिया, जैसे कहीं के कांटा गड़ी गई, आपको प्यार में कांटा गड़ गया है, अभी कांटा को कैसे निकालोगे? और एक कांटा लाओ। एक कांटा गड़ गया तो और एक कांटा ले आओ,
एक कांटा से फिर दूसरे कांटा को पैर से निकाल देती है। कहते उसी तरह अभी हमारी हृदय में माया की कांटा गड़ी गई, जब कांटा गड़ी गई अभी इसको निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे? बोले और एक कांटा लाओ। बोले और एक कांटा लाओ मतलब भगवान की भक्ति रूपी कांटा है, भगवान का नाम कीर्तन भजन पूजा करो, बस जब मन उसमें आविष्ट होगा अपनी आप ये माया अपनी आप हट जाएगी। इसलिए व्यास देव जी ने सब चीज को देख करके उन्होंने क्या किया, बोले भागवत कथा से जीव का कल्याण होगा, ठाकुर जी की कथा से जीव का कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ मनश्चक्रे या कहते मनश्चक्रे, ये आत्मनिपद संस्कृत का आत्मनिपद मतलब होता है, उन्होंने अपना शांति के लिए अपना कल्याण के लिए उन्होंने फिर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने सुंदर ये भागवत ग्रंथ रचना की। जब भागवत ग्रंथ रचना की अभी उन्होंने देखा ग्रंथ तो बहुत अच्छा बना दिया है, ग्रंथ अच्छा बना दिया, लेकिन ये ग्रंथों को अभी मैं पढ़ाऊंगा किसी को, लेकिन इसका पढ़ने का योग्य कौन था? बोले मेरे बेटा सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी, मेरा बेटा सुखदेव गोस्वामी इसकी यथार्थ रूप में वही योग्य बेटा था, लेकिन वो तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बनकर चला गया, और वो क्या सोच रहा है, मैं ब्रह्म में लीन कब हो जाऊँ, ब्रह्म ज्योति में लीन कब हो जाऊँ, इसी चेष्टा में अभी है। इसलिए कहते श्री व्यास देव के जो चार जो चेले थे, चार पहले बताया ना, चार चेले को उन्होंने चार वेद उन्होंने प्रदान की, जिनके जो चार चेले थे अभी उन्होंने चार चेले को बोले देखो मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ करके ला सकते हो? बोले गुरुजी तोते तो बहुत जंगल में है, लेकिन हमें क्या पता आपका तोता कौन है? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, तुम लोग मैं मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र बीच बीच में पढ़ते रहना, जो अपनी आप जूता पकड़ में आ जाएंगे ना समझना वो मेरे वो तोता है। बोले मंत्र से पकड़ में? बोले हाँ, वो आते ही ना एक काम करना, जो चार श्लोक तुमको चारों को चार मंत्र सिखाता हूँ उनको ये चार मंत्र बोल देना, बस काम हो जाएगा। बोले ठीक है। तब वो जंगल जंगल में भ्रमण कर रहे थे और श्लोक बोलते बोलते, कौन सा श्लोक था पहला जो श्लोक था, कृष्ण देखने में कितने सुंदर है, कौन सा श्लोक बोलो जोर से बोलो, कान में पैता लगा है, कान में लगा है, निकालो वहां से। इसलिए कहते उन्होंने ये पहला श्लोक, कृष्ण देखने में कितने सुंदर कृष्ण है, हैं क्या अलबेल सा रूप है, वो किसको ध्यान कर रहे थे, निराकार को, निराकार ज्योति ब्रह्म को ध्यान कर रहे थे, लेकिन उसका तो कोई आकार नहीं, वो तो ज्योति निर्विकल्प है, वो तो उसमें कोई रूप गुण कुछ है नहीं, लेकिन इसमें जब उन्होंने ये श्लोक को सुना, लेकिन कृष्ण तो बड़े सुंदर है, देखो ये श्लोकों को ना कल मैं सुनूंगा तुम लोग से व्याख्या सुनूंगा और ये पूरी कथा में सुना सुनूंगा, लेकिन ये जो श्लोक का जो मीनिंग कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बराह पीड़ क्यों बताया, नटवर बप क्यों बताया, कर्णीय कर्णिकार क्यों बताया, विभ्रत वास, उन्होंने एक एक शब्दों को वेणुगीत में, ये वेणुगीत में कल ये श्लोकों को सब श्लोकों को सबके सब श्लोक को अच्छे तरह से पढ़ करके आना सबका, हम कल सबसे मैं ये सुनूंगा ये श्लोक, ठीक है बच्चों को, ठीक है ना, उसमें एक एक शब्द देखो, एक बार अगर तुम लोग इसको पढ़ लिया ना दिल में ये चीज बैठ जाएगी पूरा पूरा है, अद्भुत, सारा जीवन के लिए फिर लगेगा, सारा जीवन के लिए लगेगा, इसलिए कल इसको सुनाना सबके सब। इसलिए ये जब श्लोक को सुने बास, वो जो ब्रह्म में लीन होना चाह रहे थे ना उसमें तो कुछ है नहीं, वो तो झट निकल करके आ गए, निकल करके आए, बोले भैया ये श्लोक मिला कहाँ से? बोले हमारे गुरु जी दिए, बोले हमारे कोई एक तोता उड़ते हुए चला गया, ये तोते को पकड़ करके ले आओ, हमने कहा तोता कैसे पकड़ में आएगा? बोले ये जो श्लोक सुन करके अपने आप आएगा वही मेरे तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ, लेकिन वो तो बड़े सुंदर है देखने में, ये तो बड़े सुंदर है, लेकिन कहते उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या, जो दूसरा चला दूसरा श्लोक सुना दिया, उनका अलग अलग श्लोक कभी कभी आते हैं, दूसरा श्लोक है बोले नव मिडते अभ्र बपुषे तड़िताम्बराय
गुंजावतंस परिपीच लसत मुखाय। ये ब्रह्मा की स्तुति है, हैं? कहते पशु पांग जाय, बोले उनका नाम क्या है, बोले पशु प, पशु मतलब पशुओं को जो चराने वाले कौन, श्री नंद बाबा, उनसे जो जात हुआ वो कौन है, कहते ये श्री कृष्ण, उनका नाम क्या है, कृष्ण। इसलिए नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये दो श्लोक है ना, ये दो श्लोक बोल देना, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये दो श्लोक याद कर लेना, ठीक है। कहते भैया नाम तो बड़ा प्यारा नाम है, कृष्ण, क्री मतलब क्या, सबको जो आकर्षण करता है, स्ना मतलब क्या, सबको जो आनंद देता है, अरे कृष्ण मतलब क्या, काले, क्या कोलतार जैसे काले, कोलतार जैसे काले नहीं है, हैं? उनको उदाहरण दिया इंद्र नीलमणि, एक मणि होता है जिसका नाम इंद्र नीलमणि, हैं? इंद्र नीलमणि जैसे उसका बड़े सुंदर रूप है, अद्भुत रूप है उसके, उनको घनश्याम, उनको बादलों के साथ में उदाहरण दिया, कृष्ण कैसे देखने में काला मेघ जैसे, क्यों काला मेघ को साथ में उदाहरण दिया, कोई बता सकते हो, काला मेघ को साथ में क्यों उदाहरण दिया, हाँ देखो यहाँ पर विश्वनाथ टीका में लिखते हैं कृष्ण को काला मेघ को साथ में क्यों, ये काला मेघ क्या होता है, ये बादल जब घनीभूत हो जाता है, पानी जब इकट्ठा हो जाता है ना वो काली बन जाती है, इसलिए पानी का जो बादल एक नाम है कृपा जलद, इसका नाम एक कृपा है, हाँ पानी मतलब चाहते ना पानी पानी पानी, पानी पीने पर क्या होता है, हृदय शांति मिलती है, इसलिए पानी मतलब कृपा, मतलब जो कृष्ण कौन, जो पानी जब एकदम घनीभूत अवस्था धारण करता है, मेघ मतलब कृपा जब घनीभूत अवस्था धारण करता है वो कृष्ण का रंग, मतलब हे कृष्ण करुणा सिंधो, कृष्ण करुणा की समुद्र है, कृष्ण करुणा की ये समुद्र कृष्ण है, इसलिए बोले, इसलिए कहते कृष्ण काले क्यों है, कहते सब रंग मिलाओ ना अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला दो, बस सारे रंग को वो अपना लेता है, सारे रंग को वो अपना लेता, कहते काले कमरिया को ऊपर में चढ़े ना दूजे रंग, काले कंबल के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है, कोई रंग उस पर नहीं चढ़ता है, इसलिए मतलब कृष्ण भक्ति एक बार डूब गए ना फिर कोई रंग चढ़ेगा नहीं, जैसे आप लोग पति बोलते हो क्या इतना सवेरे सवेरे कहाँ भागते हो, हाँ शाम को जाओ सवेरे जाओ, जब देखो गौड़ियों गौड़ियों हट जाओ, लेकिन लेकिन वो रंग चढ़ गया ना, रंग चढ़ गया तो बस चढ़ना दूजा रंग उसको पर, फिर रंग कोई चढ़ती नहीं, वो अपना प्रताप दिखाती है, इसलिए बोले कृष्ण हैं, कृष्ण बड़े सुंदर है, नाम बड़े सुंदर है, बोले देखने में भी बड़े सुंदर है, नाम भी बड़ा सुंदर है, बोले भैया वो रहते कहाँ पर, उनका गाँव कहाँ पर है, क्या उनको तीसरा श्लोक क्या बोले, बोला बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत ए दीरा सास्वदात्रये दैतदृक्षताम देख सुता अब का तो धृता सब त्वांग विचिन्नते, इसलिए वो रहते हैं कहाँ पर, वृंदावन में, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, एक अर्थ होता है ये गोपियां कह रहे हैं श्याम सुंदर जब से तुमने ये ब्रज में जन्म हुए ना तब से ये वृंदावन क्या हो गया, बोले श्रयत इंदिरा लक्ष्मी क्रीड़ा भूमि बन गई, दूसरा अर्थ कहते हैं क्या वृंदावन जब कृष्ण जन्म हुए तो लक्ष्मी की तभी क्रीड़ा भूमि बन गई, बोले नहीं बोले नित्य जो श्री जो लक्ष्मी वृंदावन में नित्य ही विद्यमान है, जहाँ पर कृष्ण वहाँ पर तो लक्ष्मी यही है, हाँ इसलिए बोले कुट्टी लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सभ्यमान, हजार हजार लक्ष्मी क्या करती हैं झाड़ू जहाँ पर लगाती हैं से वृंदावन में, बोले श्री वृंदावन धाम की, तो सो रहे है ना, बोले श्री वृंदावन धाम की, हाँ थोड़ा जग जाओ, इसलिए कहते लक्ष्मी जब कृष्ण भगवान आए लक्ष्मी हैं, कहते लक्ष्मी वहाँ पर आ करके वहाँ पर क्या सेवा, लक्ष्मी सेवा करती हैं, हैं इसलिए जहाँ पर
इसलिए रहते कहाँ पर? बोले वृंदावन धाम में रहते हैं। बोले वाह, वृंदावन धाम तो दिव्य चिंतामणि धाम है, हैं? इसलिए देखने में भी बड़े सुंदर है, नाम भी बड़े प्यारे है, रहते भी दिव्य धाम में। लेकिन मैं तो अभी एक का नौकरी कर रहा हूँ। किसका नौकरी कर रहा हूँ? ब्रह्म का। अभी एक का नौकरी कर रहा हूँ, अभी मैं ब्रह्म को ध्यान कर रहा हूँ। अभी उसकी नौकरी छोड़ करके और किसकी नौकरी करना पड़ेगा? ऐसे नहीं दो दिन बाद में मेरे को ठोकर मार कर भगा तो नहीं देंगे, हमें उतने भगा तो नहीं देंगे जिसका नौकरी करूँगा। इसलिए फिर उसका भी नौकरी जाएगा, इसका भी, दोनों को भी जाएगा, बीच में लटक जाऊँगा। इसलिए उन्होंने बोले, चौथा बोले उनका अंदर में कोई गुण है कि नहीं, तब चौथा चलाने चौथा श्लोक बोल दिया। कौन सा श्लोक बोला? हाँ जोर से बोलो। बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम जिज्ञासया अपि असाब्धि लेभे धातु चित्तितम गत्वन्नम कम बा दयालु शरणम ब्रजेम। हैं? बोले क्या? बोले बोले अहो बकियम स्तन काल कुटम, बका का जो बहनी जो बकी पुतना थी उसमें अपना स्तन में कालकुट जहर लेकर के आई, मारने के लिए आई थी। लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु, इतने दयालु, गुण अवगुण प्रभु देखो ना काम, किसकी अवगुण का प्रति उनका नजर नहीं। हमारे अंदर में कितने अवगुण है, कितने अवगुण ही अवगुण, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्षा से भरा पड़ा हुआ हृदय। अगर ठाकुर जी अगर हमारे अवगुण को देखेंगे ना, हम कहीं की भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन ठाकुर इतने दयालु है, हमारी अवगुण का प्रति ठाकुर का नजर नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो जो तोतली तोतली, अभी उसको बोलने सही नहीं आता है, पापा पापा मामा मामा, उसको सुनकर दादा दादी कितना खुश होते हैं बोलो। दिन भर उसकी बात को, अरे ऐसे पापा पापा मामा, दिन भर देखना उसको दोहराते रहते, ऐसे बोल रहा था, ऐसे कर रहा था, उसकी दिन भर उसका आठी को दिन भर उसको दोहराते रहते हैं। कहते उसी तरह ठाकुर जी बड़े दयालु है, बड़े कृपालु ठाकुर जी है। इसलिए हमारे दोस्त का प्रति ठाकुर नजर नहीं देते। अगर दोस्त को देखे नजर देना, फिर तो भैया हम लोग तो पहले निकाल देंगे ठाकुर जी हमसे, हैं? इसलिए ठाकुर जी इतने दयालु, उसको पुतना को भी उन्होंने धाई मैया की, उन्होंने धाय चित, उन्होंने धाई नहीं उसका उचित पद उन्होंने गोलक वृंदावन में दे दिया। हैं? जब उन्होंने इतना बात सुने ना, हाथ उठा लिया, ऐसे हाथ उठा कर क्या बोले? बोले कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, मतलब ऐसे कृष्ण को छोड़ करके हम और किसकी शरण में जाएंगे? जाएंगे तो प्रभु की, कृष्ण शरण में ही भजन करेंगे, तो ठाकुर कृष्ण का ही भजन करेंगे। बॉस पूरा हाथ उठा कर भागते हुए आए। जब उन्होंने भागते हुए आए हैं, तो यहाँ पर और एक श्लोक है, तुम लोग लिख लो। वो श्लोक है स्वराज्य, क्या क्या है? अद्वैत विधि पथक पथिकै रूपास्य, बोलो, लब्ध काम कृता गोपी बधु बिटेन। ये बहुत अच्छा श्लोक है, हैं? ये बहुत बड़े के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े, ये पहले ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ये पहले बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी था, हाँ प्रकाशन, और इसलिए पहले ये बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी था। पहले भगवान को ये निराकार 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 मानता था, लेकिन जब उन्होंने ठाकुर का एक झलक दर्शन किया ना, उन्होंने सारे वो पद को छोड़ करके उन्होंने कृष्ण भक्ति में आ गए, और आ करके ये श्लोक को बोल रहे हैं। पहले मैंने क्या करता था? बोले अद्वैत विधि पथि कई रूपास, पहले मैंने हैं मायावाद ब्रह्मवाद था, और अपना को बड़ी ऊँचे सिंहासन पर बैठ करके अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म सब ब्रह्म 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 निराकार में ध्यान था। लेकिन जब मैंने कृष्ण की एक लटकन झटकन उनका एक हैं झांकी को मैंने दर्शन किया, मैंने सब कुछ छोड़ करके उसकी चरण की मैंने चेली बन गया। मतलब किसकी? कहते भैया अगर मैं दास बनता तो किसी अच्छे व्यक्ति का दास बनता, लेकिन बना तो किसकी दास बना? बोले गोपी बेटे ना, जो संपूर्ण रूप में गोपी प्रेम में जो पागल है, हैं? गोपी प्रेम में जो बसीभूत है, ऐसे के सठ का मैंने दास बन गया, तो ऐसे कृष्ण का मैंने दास बन गया है, हैं? इसलिए फिर और एक श्लोक लिख लो। बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंत अपि उरुक्रमे
कुर्बन अहितु किम भक्ति इथम भूत गुण हरि। कहते हरि की जो गुण हैं इतने सुंदर गुण हैं, कहते जो आत्मा में जो रमण करने वाले व्यक्ति भी कहते जब भगवान की रूप को दर्शन करते हैं, जैसे चतुसन जब उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने क्या किया, सारे आत्मा राम तक उन्होंने छोड़ करके बोले कुर्बन अहितु किम भक्ति, भगवान की भक्ति में ही उन्होंने डूब गए। इसलिए जो दो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है, दो श्लोक और भी अच्छे अच्छे श्लोक है, हैं। एक श्लोक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं, मैंने संपूर्ण ब्रह्मानंद में मैंने डूबा हुआ था, लेकिन तथापि मेरे को उसमें आनंद नहीं मिला। एक बहुत बढ़िया श्लोक, उसको तुम लोगों को मैं लिखा दूंगा, बहुत बढ़िया श्लोक है, प्यारा श्लोक है। और उसका जो चैतन्य चरितामृत में उसको बताए, कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, उसको लिख लो, कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। बोले कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद समुद्र है, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण भक्ति रस में, कृष्ण में, ठीक है। इसलिए उन्होंने चार चलो, उन्होंने जब श्लोक को सुने, सुखदेव गोस्वामी भागते हुए आए, जब भागते हुए आए तब व्यास देव ने पूरा सुखदेव गोस्वामी को पूरी उन्होंने भागवत सुनाया है। कहते ये जो कथा है किसकी कथा है, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जो भागवत का जो वक्ता, यहाँ पर कह रहे हैं जो भागवत का जो वक्ता है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमहंस कुल चूड़ामणि जो ब्रह्म ज्ञान में संपूर्ण डूबे हुए व्यक्ति थे हैं, ये जो वक्ता है ये कोई साधारण वक्ता नहीं, जो प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया। इसलिए उन्होंने ये लीला करके उन्होंने दिखाया, देखो भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो आनंद और किसी चीज में नहीं, परमहंस कुला चूर्ण। अभी कल हम सुनेंगे श्रोता का चरित्र है, आज हमने वक्ता का चरित्र सुने, कल हम लोग किसका चरित्र सुनेंगे, श्रोता का, श्री परीक्षित महाराज की कथा सुनेंगे, ठीक है। अभी अब लोग बोलो, कौन बोलेगा, बोलो कल जो कथा मैंने सुनाई थी किसको याद, कौन बोल सकता है, बोलो कौन बोलेगा, कल नारद जी कथा सुनाई थी नहीं, हाँ बोलो कौन, किसको याद है, कौन बोलेगा, हाँ तुम कहो, हाँ कहो, समझ से टिकट ही गई, सब थोड़ा थोड़ा बोलना, देखो खबर, इसलिए हम कितना दिन से सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, इसको सब बंद कर दो, इसलिए हम सुन रहे हैं लेकिन हम लोग बोल क्यों नहीं पाते, हम बोलते नहीं, इसलिए नियम है जितना सुने उसे ज़्यादा बोले।